सही हो गया। अगला सवाल है अली भाई के, बात सुन्नी उलमा का कहना है कि आप जैसे स्पीकर्स का यानी कि ये मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ माविया ही पैदा करना है, क्या ये वाकई दुरुस्त है? नहीं, हमारा कोई मकसद नहीं, नाऊज़ बिल्ला, ना हमने जो है वो बुग़्ज़ माविया पैदा करना है, ना हम इसके ऊपर कोई चंदे लेके काम कर रहे हैं, नाऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। हमारा मकसद है कि नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आम करना है, आपके अहले बैत की मोहब्बत को आम करना है, और गदीर खुम पे खड़े होना है कि मैं अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। अगर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी हदीस में फरमाया कि मैं आले उमैया के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, तो आ जाए हमसे आले उमैया के फ़ज़ाइल सुन लें। और आले उमैया के जब हम नाम लेते हैं तो मुड़ मुड़ के हज़रत उस्मान का जिक्र करते हैं, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो हम आले उमैया में वैसे ही समझते हैं जिस तरह के उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को समझते हैं, हालांकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दादा वो है जिसमें नबी ने लानत की हुई है, मरवान। मरवान के दो बेटे थे ना, अब्दुल मलक और अब्दुल अजीज। अब्दुल मलक के चार बेटे खलीफा बने हैं और अब्दुल अजीज का एक बेटा खलीफा बना है, जो अब्दुल मलक बिन मरवान का दामाद भी था, यानी उनके भाई का बेटा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज तक हम लानत नहीं लेके जाते, हालांकि मरवान पे लानत है। हम कहते हैं नहीं यार, वो एक जनरल बात थी, स्पेसिफिकली एक बच्चा बंदा भी हो सकता है। हजरत उस्मान के पीछे क्यों छुपते हैं आप जाके? आले उमैया का मतलब जैसे ये रट लगा लेते सहाबा को बुरा कह, यार एक सहाबी को पूरा सहाबा कह दिया आपने, सहाबा की मतलब खुद बताते हैं हमें लाखों में सहाबा हैं। आप तीन चार बंदों के ऊपर जिरह होती है तो आप कहते हैं सहाबा को बुरा कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? तीन या चार बंदों की गलतियां हाईलाइट होती हैं, आप लाखों लोगों को तीन चार बंदों के पीछे उस कैटेगरी में क्यों डाल रहे हैं? और फिर मुहद्दिसीन ने भी नाऊज़ बिल्ला टारगेट करके तीन चार बंदों की गलतियां लिखी हुई हैं, बाकियों की नहीं लिखी हुई हैं। तो ये भी कहीं सहाबा के उस्ताद थे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम भी। तो इस तरीके से रोंद ना मारा करें कि वो इस तरह के मामलात को छोटी छोटी चीजों को पकड़ के। बात क्या हो रही थी कि आपकी ये जो तकरीर है ना, हाँ हम ये नहीं करना चाह रहे नाऊज़ बिल्ला मिन ज़ालिक, कोई बुग़्ज़ वाला मामला नहीं है, सच्चाई लोगों को बता रहे हैं। बल्कि हमने तो मॉडरेट लोगों को किया है कि आप मेरे शाम पे लानत ना करें, उनको मुनाफिक ना कहें, उनको काफिर ना कहें, इल्मी इख्तलाफ रखें। अगर मेरे आने से पहले हज़रत माविया के फजाइल और बरकात शिया के मेम्बरों से और अहले सुन्नत के मेम्बरों पर बयान होते थे तो बता दें मुझे, ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है मुझसे पहले, मैंने तो उस दुनिया में आंख खोली है कि मेरी पैदाइश से पहले जंग जमल सिफीन नरवान हो चुकी है, तफरीकें पड़ चुकी हैं, हमने तो आके इस दराड़ को फिल करने की कोशिश की है। क्योंकि आप लोगों ने मीरे शाम का दिफा करके हज़रत बकर उमर उस्मान को भी रगड़ा लगवा दिया नऊज़ बिल्ला। हम तो तीन खुलफा को बचाने की खातर बता रहे हैं कि असल मसला कहाँ से ख़राब हुआ है। हम कोई नऊज़ बिल्ला बुग़्ज़ माविया नहीं, और ये जो आपने जाली मावे बनाए हुए हैं ना, हुब्बे अली और बुग़्ज़ माविया, वो हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली है सही मुस्लिम में। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये बुग़्ज़ माविया तो पता नहीं आपने कहाँ से निकाला है, इस पर मेरा क्लिप रिकॉर्डेड है। बुग़्ज़ माविया तो कोई नहीं था, बुग़्ज़ अली था। वो सुन्नसाई में हदीस है तलबिया वाले चैप्टर के अंदर, इब्ने अब्बास जब पहुंचे उन्होंने देखा कि अरफात में लोग तलबिया नहीं पढ़ रहे, तो उनका क्या हुआ? तो लोगों ने कहा लोग हजरत माविया के डर की वजह से नहीं पढ़ रहे, तो उनका इनकी नाक खाक आलूद हो, इन्होंने बुग़्ज़ अली की वजह से नबी की सुन्नत को छोड़ दिया। और सुन कुबरा बहिकी में अल्फाज है कि माविया की नाक खाक आलूद हो और इस पार्टी के ऊपर, इन लोगों के ऊपर लानत हो जिन्होंने नबी की सुन्नत को बुग़्ज़ अली में छोड़ दिया। बुग़्ज़ अली और हुब्बे अली का जिक्र है, हम तो बुग़्ज़ माविया तो कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ये कोई पैदा करना मकसद नहीं है। और अगर आप समझते हैं मकसद है तो ये सारी हदीसें हम बुखारी मुस्लिम से पेश कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर कहें, लेकिन आप कहें कि असल साजिश की थी बुखारी मुस्लिम ने, तो बुखारी मुस्लिम की जायज़ रूहानी औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं जो उस मिशन को आगे लेके चले, तो सर मैं इस तगमे को लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप इन हदीसों को बयान करने पर मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर आप मुझसे मिजाज नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं चोर से पहले चोर की माँ को मारो। तो मेरी रूहानी माँ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम है जिनसे मैंने हदीसें नकल की हैं, और उससे भी पहले नबी इस्लाम के जो फरमान है, जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वो नबी इस्लाम, यानी ये नबी इस्लाम के फरमान है ना कि अम्मार को बागी जमात कतर करेगी, अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा और मुखालिफ जमात दोजख की तरफ बुलाएगी। तो अहले सिफीन को दोजख की तरफ बुलाने वाली जमात, अमीर शाम की जमात को बागी और दोजख की तरफ बुलाने वाली जमात किसने कहा? तो ये नबी इस्लाम ने बुग़्ज़ माविया पैदा किया, तो आप कह दें तो ठीक है फिर हम तो तैयार हैं। हम कहते हैं सिर्फ हम पे ना फल, उधर आप खामोश हो जाएं पब्लिक के डर से, हो सकता है अलहदगी में कहते भी हो, क्योंकि वो चंदा जोर लगा ही देता है, कभी जोश मार ही जाता है, तो कह ही देते हो कि यार काश काश ना का, हाँ बाज़कत कह, जब यहाँ पे आप गया अहले हदीस आलम को जब हमने कहा कि यार ये आप लोग मतलब फिरका वारिद फैला रहे हैं, आप ना नाम रखें अपने आप मुसलमान के, तो क्या नबी इस्लाम का भी नाम मुसलमान? वो कहते हैं नहीं, नबी इस्लाम भी अहले हदीस थे।
ٹھیک ہے. تو اگر کوئی نبی علیہ السلام کو اہل حدیث کہہ رہا ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا نا, یہ اسی طریقے سے ہے جیسے نبی علیہ السلام اہل حدیث تھے نا, اسی طرح کا بغض معاویہ ہم پھیلا رہے ہیں. دونوں ہی جھوٹ ہیں.